हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज टर्म टू के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए यूनिट को लेकर के। जो अपनी नई यूनिट है उसका नाम है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो हम लोग यूज करेंगे सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैल्क। ठीक है, तो यूनिट 4 अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और इसको हम लोग यूज करने वाले जिस सॉफ्टवेयर के साथ वो अपने पास होगा लिब्रे ऑफिस का कैल्क। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि अपने पास में माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, गूगल की शीट है, या हम लोग कह सकते हैं ओपन ऑफिस का आपके पास में कैल्क है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए यूज में लेते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन को लेकर के। तो इस चैप्टर का नाम है अपने पास क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट, किस तरीके से आप अपने एक स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हो और उस स्प्रेडशीट में कौन कौन से फीचर्स आपको दिखाई देते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या है, उसको जानने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एजेंडा क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट को लेकर के। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्प्रेडशीट। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे सम पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। जब लिब्रे ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो जाएगा तो उसके कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो। देन इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जब आपके पास में एक कैल्क की जो शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी, एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, तो उसमें वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, आपके पास रो कॉलम क्या है, इसी टाइप से आपके पास में सेल्स क्या है, एक्टिव सेल्स क्या है, सेल की रेंज क्या होती है, आपके पास रो का हेडर क्या होता है, कॉलम हेडर आपके पास क्या होता है, नेम बॉक्स क्या है, फंक्शन विजार्ड क्या है, सम क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूला बार क्या है, शीट टैब, स्टेटस बार, स्लाइड बार, साइड बार, ठीक है, टाइटल बार, मेन्यू बार, और इसके अलावा स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपनी एक नई वर्कबुक जो है वो आप क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंसर्टिंग अ वर्कशीट। आप एक वर्कशीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वर्कशीट को सेव कर सकते हैं, कैसे आप उसको रिनेम कर सकते हैं और कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से हम लोग देखेंगे कि मूविंग एंड कॉपिंग अ वर्कशीट। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स अब आप देख रहे हैं ये सारे प्रैक्टिकल के टॉपिक्स होंगे और इसके साथ साथ कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं। तो पहले मैं आपको थ्योरी के टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, फिर हम लोग इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी टाइप से ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग, यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कबुक को आप कैसे ओपन करते हैं और कैसे आप क्लोज करते हैं, तो ये सारे टॉपिक हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन को लेकर के, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। कैल्क आखिर है क्या? तो देखिए दोस्तों, कैल्क इज द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस। जो लिब्रे ऑफिस का पैकेज अपन को मिलता है ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट से हम जब डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं लिब्रे ऑफिस, तो उसमें दोस्तों हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, जैसे कि राइटर मिल जाएगा, कैल्क मिल जाएगा, इम्प्रेस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, ये सारे सॉफ्टवेयर से। It is one of the most professional and advanced spreadsheet software and is used by a large number of people across the world. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत professional है आपके पास में software, ये बहुत advanced software है और दुनिया भर में लोग इसको use करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये एकदम फ्री का सॉफ्टवेयर है। जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एक्सेल को परचेस करना पड़ेगा, आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को परचेस करना पड़ेगा, जबकि ये बिल्कुल फ्री आपके पास है। ये क्या क्या फीचर्स आपको अलाउ करवाता है, क्या क्या फीचर्स आपको देता है? इट अलाउज यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट द अवेलेबल डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। तो आपका जो डेटा होता है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसमें चेंजेस यानी कि मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबुलर फॉर्मेट है इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, इट प्रोवाइड्स इनबिल्ट फीचर्स एंड डेटा एनालिसिस टूल्स। तो इसके अंदर जो है ना कुछ इनबिल्ट फीचर्स आपके पास होते हैं, साथ में आपके पास डेटा एनालिसिस टूल्स ही आपको देता है, दैट मेक इट इजियर टू वर्क विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो
बहुत बड़ा अगर आपका डेटा है तो उसको भी आप जो है बहुत इजी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और आप उनको एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसी टाइप से इट हैज एन एडिशनल फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ चार्ट। ठीक है, तो आप इसको आपको जो है एक और ये फीचर देता है कि जो आपका टेबुलर डेटा होता है उसको आप ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट हैज एन एडिशनल फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ चार्ट फॉर्म दैट हेल्प्स अस टू एनालाइज डेटा क्विकली। तो आपको डेटा को चार्ट के फॉर्म में अवेलेबल करवाता है। यू कैन एंटर डेटा इन अ स्प्रेडशीट एंड देन मैनिपुलेट दिस डेटा टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट। तो आप यहाँ पर डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि फंक्शंस एंड फॉर्मूलास। तो हर स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें एक्सेल भी है, कैल्क भी है और दूसरे भी, आपको जो है वो फॉर्मूला और फंक्शंस अवेलेबल करवाते हैं। जैसे कुछ नंबर्स हैं दोस्तों, आप चाहते हैं कि उनके ऊपर कुछ फंक्शंस आपको अप्लाई करना है, जैसे कि आपको सम अप्लाई करना है, आपको काउंट अप्लाई करना है, आपको मैक्स मीन या आपके पास एवरेज, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप कुछ फॉर्मूलाज भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है, कैरेट का सिंबल है, यानी कि पावर सिंबल, ऐसे बहुत सारे आपके पास सिंबल्स भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो उनको अपन क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज और फंक्शन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये कि फंक्शन का अपने आप में एक नाम होता है और उस नाम के बाद में आप क्या करते हैं, आपके कुछ जो भी यानी कि जिसपे आपको फंक्शंस अप्लाई करना है तो ब्रैकेट्स के अंदर आप वो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फॉर्मूलास में आप कोई ब्रैकेट वगैरह आप यूज नहीं करते हैं, जनरली आप जिस टाइप से कैलकुलेट करते हैं मैनुअली वैसे ही आपको लिख देना होता है, बट इन दोनों के आगे आपको इक्वल का सिंबल यूज करना होता है। तो फंक्शंस आर द इनबिल्ट फॉर्मूलाज है, या बिल्ट इन फॉर्मूलाज है, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैलकुलेशंस सच एज कैलकुलेटिंग परसेंटेज हो गया, या फिर आपके पास इंटरेस्ट हो गया, या आपके पास एवरेज हो गया। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं किसके थ्रू, फंक्शंस के थ्रू। फॉर्मूलाज क्या हो गया, फॉर्मूलाज आर मेनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसके लिए आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग फीचर्स भी आपको देता है। क्या है, दीज फीचर्स आर यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द एप्रिसिएशन, या कह सकते हैं जो अपीयरेंस है ना, तो कह सकते हैं फॉर्मेटिंग फीचर क्या हो गया, फॉर्मेटिंग फीचर्स यानी कि दीज फीचर्स आर यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। आपके डेटा का जो अपीयरेंस है, डेटा का जो डिस्प्ले है, उसको बहुत अच्छे से देता है। उसके बाद आता है ऑटो कैलकुलेशन। ऑटो कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है, और उसके बाद में आपने कुछ फॉर्मूला फंक्शंस लगा दिए हैं, इन केस अगर आपने दोस्तों आपके ओरिजिनल डेटा में चेंजेस किए हैं तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट भी मॉडिफाइड हो जाएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स थे 58, ठीक है, और मैंने उसको लिख दिया 85 सपोज गलती से। जब मैं वापस उसके 58 करूंगा तो उसका टोटल, उसकी ग्रेड, उसके परसेंटेज सब कुछ बदल जाने चाहिए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ये जो है वो ऑटो कैलकुलेशन का फीचर भी आपको अवेलेबल करवाता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने पास आएगा ऑटोफिल ऑप्शन है। ऑटोफिल का मतलब है अगर आपने किसी सेल में एक वन लिख दिया और अगर आप उसको पकड़ के, उसके कॉर्नर्स को पकड़ के, उसके फिल हैंडल को पकड़ के नीचे की तरफ लाके खींचेंगे तो उसको वन को टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स इस टाइप से ऑटोमेटिक फिल कर देगा। लाइक संडे लिख करके अगर आप नीचे खींचेंगे तो मंडे, ट्यूजडे, वेनेसडे, थर्सडे लिख देगा। जनवरी की बात करेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में ऑटोमेटिक उसको लिख देगा। तो एंटरिंग डेटा एंड सीरीज यूजिंग द ऑटोमेटिक फिलिंग ऑप्शन। उसके बाद है चार्ट। चार्ट क्या हो गया, मैंने आपको कहा भी था कि डेटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट। दिस हेल्प्स अस, या दिस हेल्प्स टू यूजर टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर। तो आप देखते होंगे जैसे बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, एक्स वाई चार्ट हो गया, है ना, तो ये बहुत सारे टाइप के चार्ट होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैल्क के साथ में भी। इस टाइप से इसमें आपको सॉर्टिंग का फीचर मिलता है। आप यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज है आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, जो भी असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए टू जेड करें या जेड टू ए, जो भी आपको सही लगे आप उस फॉर्म में इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं या सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपने जो फाइल्स बनाई हैं आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे फॉर्मेट में, या कोई दूसरे फॉर्मेट की फाइल को अगर आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं आपके डेटास को, तो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्प्रेडशीट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, ठीक है,
इंक्लूडिंग HTML फॉर्मेट हो सकता है, CSV भी हो सकता है, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फॉर्मेट में भी हो सकता है, PDF में भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पर पोस्ट स्क्रिप्ट में भी आप इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग और कुछ टॉपिक्स को लेकर के बात करेंगे, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं, सम पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले अपने पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है, आप लोगों ने इसको शायद कभी यूज जरूर किया भी होगा। इसी टाइप से आपके पास आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक लोगो है जो हम लोग यूज भी करेंगे आगे के वीडियोज में, और आज के वीडियोज में भी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है आपके पास ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क का आपका लोगो जो है वो मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। फोर्थ पे रखा है दोस्तों मैंने गूगल शीट को। तो गूगल शीट जो है ये भी एक बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये आपके पास सिस्टम बेस्ड नहीं होकर के ये आपके डायरेक्ट जो है इंटरनेट बेस्ड है। आप अगर अपने इंटरनेट से जब इसको चलाएंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, गूगल शीट पे जाएंगे, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपनी ड्राइव पे स्टोर करके। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कि आपके पास जी न्यूमेरिक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कैलीग्राफ शीट हो गया आपके पास में, या विकी कैल्क हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर अपन बात करें, तो हम यहाँ पर क्योंकि यूज कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, तो कैल्क कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उससे पहले उसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना जरूरी होता है। मैंने पहले भी बोला है आपको, जब हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग राइटर्स को पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपको लिब्रे ऑफिस जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया होगा अभी तक। अगर आपके कंप्यूटर में आपने लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पर जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क को यूज कर सकते हैं, बेस को यूज कर सकते हैं, आप राइटर को यूज कर सकते हैं, आगे जाते हैं हम एक और टॉपिक देखेंगे इम्प्रेस, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, किसको, कैल्क को। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड है, सिंपल सा स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपके पास में जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक हो गया स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और लिब्रे ऑफिस बेस आपको या लिब्रे ऑफिस कैल्क जो भी आप कर रहे हैं सर्च बार में आपको वो टाइप करना होगा। अगर आप कैल्क करें तो आप सिंपल सा कैल्क भी लिख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क भी आप लिख सकते हैं अपने सर्च बार में। इसी टाइप से आपके पास अगर हम बात करेंगे प्रेस एंटर, आप एंटर बटन पे क्लिक कर दीजिए, एंटर की को आप दबा दीजिए, जिससे कि आपका जो कह सकते हैं कैल्क वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम मेथड टू के बारे में बात कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो स्टार्ट मेन्यूज में जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और लिब्रे ऑफिस सूट में जाएंगे, और देन उसके अंदर आप सर्च कर लेंगे आपका कैल्क सॉफ्टवेयर लिस्ट में, और आप उसके ऊपर भी जाकर के क्लिक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, तो आपका ये जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं, देखिए कंपोनेंट में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो पहले मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिक चीजें अगर अपन बात करें, तो आपके पास में आएगा एक वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब होता है आपके पास आपकी एक फाइल, ठीक है, यानी कि कैल्क में जो आप एक फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, वर्कबुक। वर्कबुक जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कशीट्स क्या होती है दोस्तों, तो वर्कशीट जो है उसके अंदर डेटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। आपका डेटा जो है कैल्क में वो हमेशा आपके वर्कशीट में स्टोर होता है, और सारी वर्कशीट्स आपके एक वर्कबुक में जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो वर्कबुक क्या है, अपने आप में एक टाइप का कह सकते हैं जैसे आपके पास नोटबुक होती है, तो नोटबुक के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे पेपर, जिसको अपन शीट्स भी कहते हैं ना, A4 शीट अगर आप डालते हैं तो उसको फोल्डर यानी कि वो मेन फाइल उसको क्या बोलते हैं अपन वहां पे नोटबुक। तो वैसे नोटबुक की जगह यहाँ है वर्कबुक, और वर्कबुक के अंदर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्टोर करेंगे अपनी शीट्स को। देखिए दोस्तों पहले अपन बात करते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं। तो मेरे पास जो है वो विंडोज 10 है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पर जाके लिख दूंगा कैल्क, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है, तो मेरे कंप्यूटर में यहाँ इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ अपने पास इस टाइप का एक व्यू अपन को दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को। लिब्रे ऑफिस कैल्क किस टाइप से दिखता है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं जिसको जानना जरूरी होता है। दोस्तों अगर हम बात करें पूरी फाइल जो आपको दिख रही है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं वर्कबुक। इस वर्कबुक में दोस्तों बहुत सारी शीट्स होती है, जैसे यहां देखेंगे आप शीट 1 लिखा है,
ठीक है, इस प्लस बटन पे क्लिक कर दूंगा तो एक और शीट मैंने यहाँ इंसर्ट कर दी है, इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा एक और शीट इंसर्ट हो चुकी है, और करूंगा एक और अलग अलग शीट से। हर शीट में दोस्तों बहुत सारे रोज और कॉलम्स आप देख पा रहे होंगे। तो मैं बात करता हूं सपोज शीट वन के अकॉर्डिंग। शीट वन पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एक कॉलम है ए, ऐसे ही बी, ऐसे ही सी, ऐसे ही डी, और ऐसे बहुत सारे कॉलम इसमें पड़े हैं। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये रोज है, जैसे रो नंबर 3, रो नंबर 6, रो नंबर 10, रो नंबर जो भी आप यहाँ पर ले रहे हैं वो सारी अलग अलग रोज है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड वन। अगर दोस्तों मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा तो इसका एक नाम यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देता हूँ और नाम लिख देता हूँ इसका सुरेन। ठीक है, मैं जब इसको फाइल को सेव करूंगा तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नाम आ चुका है suren.ods, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी फाइल का नाम और एक्सटेंशन आपको शो कर रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में। इस पूरी बार को अपन क्या कहते हैं, जहां आपके फाइल का टाइटल या फाइल का नाम दिखता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार पे दोस्तों तीन बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। अगर दोस्तों हम इसकी साइज थोड़ी छोटी या बड़ी कर दें इस टाइप से, तो आप देख रहे होंगे ये अलग अलग इसमें फीचर्स दिख रहे हैं। जैसे अगर अभी देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा इसके अंदर, रिस्टोर। रिस्टोर मतलब नॉर्मल जो साइज है, वापस क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमम साइज जो हो सकती है उसमें वो फैल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने पास आते हैं यहाँ पर मेन्यू बार। ठीक है, तो मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज है, जैसे कि फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आप न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे एडिट में भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ऐसे ऐसे व्यू में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट आपके पास है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, शीट है, डेटा है, टूल बार है, विंडो है और हेल्प। तो बहुत सारे आपके पास मेन्यूज होते हैं और ये सारे मेन्यू जिस रो में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। उसके बाद दोस्तों अपने पास इस बार को मैं साइड में लाके दिखाता हूँ, एक नाम आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड, तो ये एक टूल बार है, इसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसको मैं वापस ऊपर ले जाके छोड़ देता हूँ। तो ये जो आपके पास है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, मैंने आपको साइड में ले जाके इसका नाम दिखा दिया है। स्टैंडर्ड टूल बार पे बहुत सारे ऐसे बटन होते हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप जनरली यूज लेते रहते हैं। जैसे अगर अपन देखेंगे तो दोस्तों ये है न्यू, उसके बाद देखेंगे तो ओपन, उसके बाद देखेंगे तो सेव, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज अ पीडीएफ। इसी टाइप से आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। आप यहां पर दोस्तों कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, इवन कि आप अपने फॉर्मेटिंग की कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट्स को क्लियर कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, आप यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, स्पेलिंग्स को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप रोज को या कॉलम्स को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, आप सॉर्ट कर सकते हैं, आपके पास असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, आप ऑटो फिल्टर को यूज कर सकते हैं, आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर पाइवट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ शेप्स एंड सिंबल्स को अगर आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं, आप दोस्तों हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर कमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं, हेडर एंड फुटर को करना चाह रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट एरिया को डिफाइन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स आपके पास होते हैं इस स्टैंडर्ड टूल बार में। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो अगर आपकी जो सेल्स है, जैसे सेल में अगर मैंने कहीं कुछ डेटा लिखा है, ठीक है, तो आप इस डेटा को दोस्तों फॉर्मेट कर सकते हैं, जो कुछ भी आपने लिखा होगा। अगर आपको इस डेटा को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने के लिए आपके पास जो है कुछ अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। जनरली दोस्तों जैसे मैं इसका नाम इसमें जो लिखा है, मैंने इसकी अगर वैल्यूज अगर मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यूज कुछ और लिख देता हूँ। सपोज कि मैं लिख देता हूँ हिंदी के मार्क्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ हिंदी, हिंदी के मार्क्स है कुछ इस टाइप से दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। तो मैं चाहता हूँ इनकी साइज, क्योंकि आपको नहीं दिख रही, तो सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, जिससे आपको आसानी से दिखेगी। ठीक है, साइज इसकी विड्थ को भी मैं बढ़ा सकता हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा भी। इसी टाइप से आप इसका कलर अगर बदलना चाह रहे हैं, आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप दोस्तों इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसका फॉन्ट कोई दूसरा लेना चाह रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। इस टाइप से बहुत सारे फीचर्स है, आप इसका अलाइनमेंट बदलना चाह रहे हैं सपोज कुछ भी, ठीक है, तो इस सेल का अगर आप कोई अलाइनमेंट बदलना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से और भी यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो ये आप जो फीचर्स देख रहे हैं इस बार को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके पास है फॉर्मेटिंग बार। ठीक है, तो ये थी आपके पास फॉर्मेटिंग बार। अब फॉर्मेटिंग बार के बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब होता है आप किस सेल पे अभी हो, आपकी एक्टिव सेल कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके होते हैं सारे कॉलम्स और ये सारे हैं आपके पास रो।
जिस जगह पर आप क्लिक करेंगे वहां पर आपका एक कॉलम और रो मिल करके एक उसका एक इंटरसेक्शन बनता है। जैसे इसकी बात करूं तो दोस्तों आपके पास H और यहां अगर अपन देखें तो आता है 6। तो H6 जो है इस सेल का एक नाम है और वो नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नेम बॉक्स में। उसके बाद आपके पास आता है फंक्शन विजार्ड। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं फंक्शन विजार्ड पे तो आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस बटन पे नीचे करें जितने भी फंक्शंस हैं आप यहाँ एक एक करके उन फंक्शंस को देख सकते हैं या आप उनको यूज भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सेलेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पर आपको 5 फंक्शंस मिलते हैं, सम, एवरेज, मीन, मैक्स और काउंट, या फ्रीक्वेंट यूज होने वाले फंक्शंस ये होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं, इक्वल का सिंबल आ जाता है, उसके बाद आप जो कुछ भी फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। जैसे दोस्तों मैं जाकर के लिख देता हूँ C7, ठीक है, C7 प्लस C8 प्लस C9, ठीक है, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ C9। अगर मैं एंटर करूंगा तो दोस्तों ये 3 जो सेल्स हैं आपके पास C7, C8, C9 उसका सम आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। मैं साइज बड़ी कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो भी लिखा था उनकी सम आपको दिख रही थी, ये फॉर्मूलाज के थ्रू आपने काम किया है। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर ये आपके सारे के सारे कहलाते हैं कॉलम्स। दोस्तों कॉलम आपका ए से शुरू होता है, अगर आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास ही जेड भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे आप देखेंगे जेड आ गया। इसके बाद ए ए ए भी चलता चलता अगर आप लास्ट में जाएंगे तो लास्ट आपका कॉलम होता है यहाँ पर AMJ, ठीक है, AMJ। इसी टाइप से अगर अपन बात करते हैं रो को लेकर के, जैसे ये एक रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, अगर दोस्तों मैं लास्ट रो पे जाऊंगा तो आपके पास आएगा 10,48,576, 10,48,576 टोटल आपकी होती है रो, ठीक है। मैं नीचे ऊपर कैसे जो मूव कर रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ एरो की को मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेफ्ट में, राइट में, जहां आपको मूव हो रहा है, कंट्रोल के साथ आप नेविगेशन की को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ये सारी आपके पास सेल्स, और हर सेल में जहां कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं दोस्तों वो आपकी हो जाती है एक्टिव सेल, ठीक है, एक्टिव सेल। इसी टाइप से अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक साइड बार है, ठीक है, साइड बार सेटिंग, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं। जैसे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, इसको अपन क्या कहते हैं साइड बार। साइड बार के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों इस जगह पे तो मैं अपने क्या कर रहा हूँ स्क्रॉलर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ जिससे कि आप पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल बार 2 टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये अपन ने कौन सा देखा था, वर्टिकल, ऐसे ही दोस्तों हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास शीट टैब है, अलग अलग शीट्स हैं, जिस शीट पे आप क्लिक करोगे, जिस टैब पे आप क्लिक करोगे वो वाली शीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। आप क्लिक करके यहाँ एड भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ देख रहे हैं शीट 1 ऑफ 4, अभी आप 4 शीट में से फर्स्ट शीट पर है। इसके बाद आप डिफॉल्ट इंग्लिश या आपके पास एवरेज फंक्शन या जूम परसेंटेज ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो लास्ट में आपको बार दिख रही है इसका नाम है आपके पास स्टेटस बार, ठीक है। कुछ बार को अगर आप ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो दोस्तों व्यू में जाकर के भी आप, जैसे टूल बार में आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार को ऑन ऑफ करना है, स्टैंडर्ड टूल बार को ऑन ऑफ करना है, फॉर्मूला बार ऑन ऑफ करना है, स्टेटस बार को ऑन ऑफ करना है, व्यू हेडर्स को अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से व्यू में जाकर के भी चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जो बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी आपको क्लियर हो चुकी है। तो देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो सारे कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई है। इन्हीं सारे टॉपिक्स को दोस्तों अब हम लोग एक बार वापस से थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते। तो हम बात करें व्हाट इज वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है दोस्तों, अ वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वर्कशीट्स। मैंने आपसे कहा था कि एक या एक से ज्यादा शीट्स को आप स्टोर करते हैं अपनी फाइल में, उस फाइल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्कबुक, ठीक है, इन अ सिंगल फाइल। व्हाट इज वर्कशीट, वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट इज अ कंपोज्ड ऑफ अ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। आपके पास वर्कशीट क्या है, जिसमें बहुत सारी सेल्स आपके पास में होती है, विच आर द बेसिक स्टोरेज यूनिट ऑफ डेटा इन अ फाइल और वर्कबुक। एक वर्कबुक में, एक फाइल में जो आप डेटा स्टोर करते हो वो कहाँ करते हो, फाइल में। फाइल में भी कहाँ करते हो, रो और कॉलम में। रो और कॉलम में भी कहाँ करते हो दोस्तों, तो आपके पास क्या आएगा, सेल्स। तो आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमेशा सेल्स में। इसी टाइप से ईच शीट कंटेंट सेल्स अरेंज इन अ ग्रिड पैटर्न यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो आप रोज और कॉलम्स के फॉर्म में आपको जो ग्रिड मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं, सेल्स, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि रोज
रन हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली पार्ट में आपकी रोज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड कॉलम्स रन वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आपके सारे कॉलम्स होते हैं. बाय डिफॉल्ट अ कैलक वर्क बुक डिस्प्लेस ओनली वन शीट एट अ बॉटम. बाय डिफॉल्ट आपको एक शीट मिलती है और उसका नाम क्या था, शीट वन, जो मैंने आपको अभी दिखाई भी दी. फिर अपन ने प्लस प्लस बटन पे क्लिक करते हुए टोटल 4 शीट्स बनाई थी ना. इन कैलक ईच शीट है, ठीक है, तो जितने भी शीट्स हैं उनके पास 2k/20 इतनी रोज होती है, यानी कि 10,48,576 आपके पास रोज होती है. एंड मैक्सिमम ऑफ 2k/10 यानी कि 1024 आपके पास कॉलम्स होते हैं. याद रखिएगा आपकी रोज और कॉलम्स कितने होते हैं, 2k/20 तो रोज है और 2k/10 आपके पास कॉलम्स होते हैं. लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन होल्ड अप टू 10,000 शीट्स इन अ वर्कबुक. दोस्तों बहुत बड़ी बात है, एक ही फाइल में आप 10,000 शीट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं. कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स, यानी कि जो कॉलम है वो ए बी सी डी इस तरीके से चलते हैं, ठीक है. टॉप एंड रोज जो है वो नंबर्स के साथ चलती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से. उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, ठीक है. तो अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट. एक वर्कशीट में आपके पास रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेल्स, ठीक है. Each cell is identified by its column letter, यानी कि जो cell है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा था C1, C2, तो क्या है, पहले अपन क्या बोलते हैं, column letter and row number, जैसे C1, C2, C3, C4, which is known as cell address. उस cell, उस particular जो cell आपने select कर रखी है, हर cell का अपना एक address होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, cell address, ठीक है. For example, A1, G2, ये सारे क्या है, आपके पास में cell के address है. The address of the first cell of a worksheet is A1. सबसे पहला रो और कॉलम क्या है, A तो कॉलम हो गया, रो है 1, इसलिए A1. और सबसे लास्ट सेल कौन सी होगी दोस्तों, तो AMJ, जैसे मैंने आपसे कहा था AMJ कॉलम लास्ट होता है और उसकी रो सबसे लास्ट में कौन सी होगी, 10,48,576, 10,48,576. तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा, AMJ 10,48,576. इसी टाइप से हम बात करेंगे, a cell is used to store data. सेल में क्या करते हो, आप डेटा को स्टोर करते हो. डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, such as text, number, formulas, functions, कुछ भी, ठीक है. a cell can contain up to 32767 characters. एक सेल में आप 32,767 characters लिख सकते हैं. इसी टाइप से अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास आएगा व्हाट इज अ रो, रो क्या होती है आपके पास, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट है आपके पास उसको क्या कहते हैं हम लोग, रो. अ रो इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट. रोज आर आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर, लाइक 1, 2, 3, 4 कहां है मैक्सिमम, 10,48,576. ऐसे ही इन सेल, इन कैल्क द फर्स्ट रो नंबर ऑफ अ वर्कशीट इज 1 एंड लास्ट रो नंबर इज 1,48,576. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज कॉलम, कॉलम क्या हो गया, अ वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है. तो ये क्या हो गया, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल इन अ, ठीक है, इन सेल्स इन अ वर्कशीट इज नोन एज अ कॉलम, ठीक है. कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड अल्फाबेट सच एज एबीसी टू AA, AZ, ऐसे करते हुए आप आगे जा सकते हैं. इन कैल्क, ठीक है, द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलम क्या होगा, फर्स्ट कॉलम आपका ए है और लास्ट आपका एएमजे हो जाएगा. इसी टाइप से अगर हम बात करें व्हाट इज एन स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार क्या होता है, अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को यूज कर रहे थे. तो इन कैल्क देयर आर टू स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वी कैन यूज दिस स्क्रॉल बार टू नेविगेट थ्रू द बॉडी ऑफ कंटेंट ऑफ द कैल्क वर्कशीट. तो वर्कशीट जो है उसको ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में मूव करने के लिए इसको यूज करते हैं. उसके बाद आता है एक्टिव सेल क्या होता है, तो दोस्तों जिस सेल के ऊपर भी आप क्लिक करते हो, जिसमें आप टाइप कर सकते हो, जिसमें आप एडिट कर सकते हो, उसको अपन एक्टिव सेल कहते हैं. तो कह सकते हैं वेन यू क्लिक ऑन द सेल, ठीक है, ऑन द वर्कशीट, कह सकते हैं थिक ब्लैक कलर्ड बॉर्डर अपियर्स अराउंड इट, ठीक है, which differentiate the active cell from the other cells, ठीक है. Data can be entered only in the active cell. You can activate a cell by pressing the tab key, clicking on the cell or by pressing an arrow key. इसी तरीके से अगर हम बात करें next आपके पास आएगा what is a range in calc, ठीक है. तो आप range कैसे बनाते हैं, range का मतलब होता है दोस्तों एक जगह से किसी दूसरी जगह तक.
जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, मुझे A1 से लगा करके A10 तक के रेंज में डेटा को कैलकुलेट करना है, तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं, A1:A10। तो आप क्या करते हैं, रेंज बनाने के लिए यूज करते हैं अपने कॉलन को। तो देखिए दोस्तों, अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस सेल विच आर सेलेक्टेड और डिनोटेड कलेक्टिवली। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, इट कैन बी अ स्मॉल एज अ सिंगल सेल, एक सेल भी हो सकती है, और एज लार्ज एज एन एंटायर वर्कशीट, तो आपके पास पूरी वर्कशीट तक भी हो सकती है। जनरली आप जो है वो रोज को या कॉलम की आपकी रेंज क्रिएट करते हैं, और आप दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हैं। इसी टाइप से हम कह सकते हैं, वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फॉलोड बाय द कह सकते हैं एंडिंग सेल एड्रेस, बोथ सेपरेटेड बाय अ कॉलन। तो आप पहले बताएंगे कहां से लेना है, बीच में कॉलन और लास्ट में कहां तक आपको लेना है, वो आप यहां रेंज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम C3 एंड एंडिंग इन J10 वुड बी रिटर्न एज C3 to J10। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, रो हेडर क्या हो गया, जिसमें रो का नाम लिखा होगा, वैसे कॉलम हेडर भी आएगा जिसमें कॉलम का नाम होता है। तो रो हेडर का मतलब क्या हो गया, ईच रोज इन कैल्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ वर्कशीट। This number is known as a row header. Generally 1 से लेकर के 10,48,576 तक ये होता है। इसके बाद बात करेंगे column header. तो column header कहां से कहां तक है? आपके पास A से लेकर के AMJ तक है, ठीक है? तो alphabet across the top border of a worksheet represent column heading starting with A2 AMJ तक आपके पास होता है, ठीक है? और टोटल आपके पास जो है वो कितने कॉलम हो जाएंगे, तो 16,384 कॉलम आपके पास ये होते हैं। इसी टाइप से आपके पास आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो एक पर्टिकुलर सेल है जिसका एड्रेस आपने सेलेक्ट किया था, तो उसका एड्रेस दिखता कहाँ है, ठीक है? एक्टिव सेल का एड्रेस जहां दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या हो गया, नेम बॉक्स इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड इन द फॉर्मूला बार, दिस एरिया डिस्प्लेस द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर बाय डिस्प्लेइंग इट्स एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल A1 B6 एक्सेट्रा, ठीक है? इसी टाइप से नेक्स्ट आएगा आपके पास फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड में आपके सारे फंक्शंस आते थे, जो फंक्शंस आप चूज करना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। द फंक्शन विजार्ड यानी कि जिसके आगे fx लिखा होता है ओपन द फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स विच अलाउज यू टू सर्च थ्रू द लिस्ट ऑफ अवेलेबल फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस थे, उनमें से आप कौन से फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं वो आपको ये डिस्प्ले करता है। इसके पास आपके पास आया था एक और फंक्शन जिसका नाम था सम। इस बटन पे जब आप क्लिक करते थे सिग्मा फंक्शन आपको दिख रहा था, सिग्मा का बटन था, इसमें 5 फंक्शंस आपके पास आए थे, ठीक है? जो कौन से थे आपके पास में, सम था, एवरेज था, मीन था, मैक्स था, काउंट था, ये फंक्शंस आपने यहाँ देखे थे। इसके बाद आया था आपके पास में फंक्शन, क्लिक ऑन द फंक्शन आइकन यानी कि जिसके आगे आपने फॉर्मूलाज या फंक्शंस आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वहां पर अपना फॉर्मूला या फंक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं लिखना। इसके बाद हम लोगों ने बात करा था फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार जो आपका फॉर्मूला जहां हम लोग लिख रहे थे, द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द शीट इन द कैल्क वर्क स्पेस, इट इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स, ठीक है? नेम बॉक्स के राइट में आप देखते हैं, दिस बार शोज द कैरेक्टर्स एंड फॉर्मूलाज दैट यू एंटर इन एक्टिव सेल, इट शोज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, जो आपकी सेल का एक्चुअल कंटेंट है वो आप यहाँ पर देखते हैं। In calc, if a function or formulas is written in a cell, the cell displays the result of values and the formula bar displays the functions of formula applied. जो भी आपने values लिखी है वो, या फिर जो formulas आपने लिखा है, ठीक है, वो जो function आपने लिखा है ये वो display करके दिखाता है। इसके बाद था sheet tab, जो आपने नीचे देखा था sheet 1, फिर 2, 3, 4 अपन ने insert करी थी। तो sheet tab क्या हो गया? Sheet tab appears at the bottom left of the calc window, ठीक है, just above the status bar. Status bar के just ऊपर आपने देखा था, every new workbook which you open contains only one blank sheet आपको मिलती है, you can add more worksheet in a workbook according to your need, है ना? तो अपन ने वहाँ पर total 4 जो है वो sheet जो अपन ने insert करी थी। You can also rename the sheet tab, ठीक है? तो अपने पास sheet के नाम क्या थे? Sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, आप यहाँ पर उनके नाम भी change कर सकते थे, ठीक है? यू कैन ऑल्सो रीनेम द शीट, आप रीनेम कर सकते थे, इंसर्ट न्यू शीट वो भी कर सकते थे, आप कोई शीट को डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर शीट टैब,
दैट वर्कशीट बिकम्स एक्टिव। तो अपने पास जब अपन शीट वन पे क्लिक किया था, शीट वन अपनी एक्टिव हो गई थी और उसी में अपन ने अपने कुछ काम किए थे। उसके बाद में आपके पास स्टेटस बार, सबसे लास्ट जो बार थी जहां मैंने आपको कहा था टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, आपके शीट में वो जूम परसेंटेज कितना है आपके पास में, ठीक है, टोटल आपका जो सम है या काउंट है या एवरेज है, वो सब चीजें आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द कैल्क विंडो, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस, जो भी करंट स्टेटस है वो दिखाता है। इट इंक्लूड्स द काउंट ऑफ द करंटली सेलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स, जो भी आपने रोज या कॉलम्स की वैल्यूज को सेलेक्ट किया है उसका काउंट आपको दिखाता है। करंट शीट नंबर, आप कौन सी शीट पे वो भी दिखाता है। लैंग्वेज आपने कौन सी सेलेक्ट कर रखी है डिक्शनरी में, वो आपको दिखाता है। एवरेज एंड सम ऑफ द सेलेक्टेड न्यूमेरिक सेल्स, वो भी आपको दिखाता है। एंड अ बटन टू क्विकली सेव द वर्कबुक, वो भी आपको दिखाता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेस, ठीक है, वार्निंग मैसेज, वो भी अगर है तो वो भी आपको ये डिस्प्ले करेगा, कौन स्टेटस बार। इस तरीके से नेक्स्ट आपके पास आएगा वो है साइड बार। साइड बार जो बिल्कुल राइट में आपने देखा था, जहां अपन ने गैलरी बटन पे क्लिक करके भी देखा था। तो साइड बार क्या हो गया, द साइड बार विंडो इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कैल्क विंडो, इट कंटेन्स वन और मोर टैब्स, ठीक है। अ टैब बार ऑन द राइट साइड ऑफ द साइड बार अलाउ स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट टैब्स such as sidebar setting, properties, styles, या gallery, या navigation and functions, ये सारे features भी आपको ये देता है। उसके बाद आता है title bar, जहां अपन ने अपनी फाइल का नाम रखा था, जैसे मैंने सुरेन नाम रखा था, सुरेन डॉट आपके पास ODS आपके पास आया था। It shows the name of the current workbook along with the name of the application. For example, suren.ods, जो मैंने अभी नाम रखा भी था, ठीक है। LibreOffice Calc, where Suren is the name of the current workbook, ठीक है, and .ods is the extension given to a calc workbook, and LibreOffice Calc is the name of the application. The title bar of an unsaved workbook shows untitled one. अगर आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है तो उसका नाम क्या आता था आपके पास, बाय डिफॉल्ट untitled one. फिर जब अपन ने सेव किया तो उसका नाम क्या हो गया था, suren.ods, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास आएगा मेन्यू बार। बहुत सारे मेन्यूज अपन ने देखे थे, तो मेन्यू बार क्या हो गया, जहां पर आप कौन कौन से काम करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि फाइल था, एडिट था, व्यू था, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल्स है, ठीक है, शीट है, टूल्स है, डेटा है, विंडोज है, हेल्प है, ये सारे मेन्यूज भी हम लोगों ने देखे थे। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार पे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अपन ने देखे थे, जैसे कि इंसर्टिंग चार्ट है, इमेजेस है, हेडर एंड फुटर है, सॉर्टिंग डेटा है, ऐसे कुछ फीचर्स। इसके बाद अपन ने देखा था फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में अपन ने देखा था कि आप साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, कलर, बैकग्राउंड, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन देखा था रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो रेंज अपन देखा था कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप चाहते हैं A1 से लगा करके A10 तक लेना है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। रेंज क्या है, रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू अदर वैल्यूज, जैसे अ रेंज कैन बी टू और मोर कंटिजुअस सेल्स विच आर सेलेक्टेड, ठीक है, तो विच आर सेलेक्टेड और डिनोटेड कलेक्टिवली। वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय writing the starting cell letters followed by the ending cell letters both separated by a colon, तो आप बीच में कॉलम लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये तीन टाइप के आपके पास होते हैं, एक कॉलम सेल है यानी कि B1 से लेकर के 85 तक, ठीक है, B1 से लेकर के B5 तक अगर अपने पास है तो B1 कॉलन B5 आपके पास जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि एक ही कॉलम है, B है आपके पास, B1 से B5 एक कॉलम की रेंज आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर रो की रेंज देखते हैं, जैसे कि B5 से लेकर के F5 तक अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर आपके पास जो है B5 से F5, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये क्योंकि पूरी कंप्लीटली क्या आपके पास एक रो है B5 से F5 तक, तो ये कंप्लीटली रो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रो रेंज। इसी टाइप से आपके पास आता है रोज एंड कॉलम रेंज। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आपके पास रो और कॉलम इन दोनों का एक इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या बात कर सकते हैं कि रोज एंड कॉलम रेंज के अंदर आपके पास जैसे A1 से शुरू करके मैं C5 C10 तक लेना चाह रहा हूं, तो वहां पर आपके पास कॉलम भी आ रहा है और आपके पास रो भी आ रहा है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो तीन टाइप के आपके पास यहाँ पर रेंज होते हैं, एक है कॉलम रेंज, उसके बाद है रो रेंज, और उसके बाद है रो एंड कॉलम रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस किया है जो उसके कंपोनेंट से रिलेटेड थे।
अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो अपने एक न्यू वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे जो है एक वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप सेव कर सकते हैं अपनी वर्कशीट्स को, कैसे आप रिनेम कर सकते हैं, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप मूव एंड कॉपी कर सकते हैं और कैसे आप ओपन कर सकते हैं कोई बनी हुई फाइल को, इसी तरीके से क्लोज आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स है वो सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। आज हम लोगों ने जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, अब अगले वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वापस से प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों ये आप मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।